बांका जिले के जिलाधिकारी स्वर्ष भगत के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर जिले के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में बांका पुलिस ने एक युवक को दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया। एसपी अरविंद गुप्ता ने बताया कि पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी के नाम से बांका के कई पदाधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा था एवं कई छोटे पदाधिकारियों को मैसेंजर के द्वारा धमकाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही बांका थाना में केस दर्ज कर साइबर सेल एवं आर्थिक अपराध इकाई पटना के सहयोग से उसे फेसबुक आईडी को लोकेट कर लिया गया, जहां पता चला कि ये मोबाइल दरभंगा के जगदीशपुर इलाके में है। बांका पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर दरभंगा भेजा गया, जहां से कौशल पोद्दार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से दो मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसे फेसबुक का फर्जी अकाउंट बनाया गया था। पुलिस ने आर्थिक अपराध एवं आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। बांका जिला के जिला पदाधिकारी श्री सुरज भगत जी के नाम से एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर बिहार के सभी सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इसके अलावा देश के कई वरीय ऑफिसर्स के साथ उस लिस्ट में जोड़ लिया गया और उनके साथ चैटिंग की जा रही थी। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, किसी के द्वारा ही जानसाजी की जा रही है। हम लोगों ने इस संबंध में मई महीने में 15/5 को बांका थाना में कांड प्रतिवेदित किया, क्योंकि ये पूरी तरह से साइबर स्पेस से जुड़ा हुआ, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला था। ये बिल्कुल तकनीकी साक्ष्य पर आधारित इस पर उद्भेदन अपेक्षित था। हम लोगों ने कार्रवाई की और समय थोड़ा लगा, लेकिन फेसबुक कैसे क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट किया, कहाँ से इसका संचालन हो रहा था, पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की तो पता चला कि इसको तैयार करने वाला दरभंगा जिले का कौशल पोद्दार नाम का लड़का है। हम लोगों ने उसके पास से वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया, वो सिम भी बरामद हुआ जिससे ये लगातार काम कर रहा था, और उसने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो क्रिएट कर रखा था उसने वो सारी चीज़ दिया, और वो हम लोगों के सामने उसने खोल कर भी पता दिखा दिया कि कैसे उसका संचालन कर रहा। तो हम लोगों ने 3 माह के बाद लगातार प्रयास से और तकनीकी अनुसंधान और एविडेंस के आधार पर अमरपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी टोला भीखनपुर गांव में एक बीएसएफ जवान ने दहेज के खातिर पत्नी की हत्या कर दी। घटना गुरुवार देर रात की है। घटना के बाद बीएसएफ जवान ने वीडियो कॉल कर ससुराल वालों को मृतका की लाश दिखाई। घटना की सूचना पाकर मृतका के परिजन उत्तरी टोला भीखनपुर भलुआर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मृतका फूलकुमारी के पिता जयराम शर्मा ने बताया कि मेरी बेटी की शादी 6 साल पूर्व भीखनपुर के रितेश चौधरी से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल वालों के द्वारा 4 लाख रुपये की मांग की जा रही थी एवं बराबर मृतिका फूलकुमारी के साथ मारपीट की जाती थी। कई बार परिवार वालों ने समझौता भी किए, लेकिन अंत में मेरी बेटी की सभी परिवार वालों ने मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल अमरपुर पुलिस ने रितेश चौधरी एवं उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है एवं लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमको सर फोन किया, उसके बाद कहा कि आपके घर में भूत नहीं ढुका है, कहले नहीं, हम अचका गए सर। उसके बाद कहे कि आपको बेटी को मार दिए, देखिए वीडियो कॉलिंग। तब सर हम वहाँ से हड़बड़ा के दौड़ के आए वहाँ पर देखिए मेरी बात गलत। मैंने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि बेटी को मार रहे हैं, मार दिए। तब हम लोग पहुँचे, पाँच बापूत देखे उसको पेट पर दे दिया है, मुंह से ब्लड जा रहा है। अच्छा, क्या क्या कारण है? वो और दहेज मांग 12 लाख टका 6 साल पहले को दिए थे सर, हम शादी में खूब धूमधाम से सर किए थे, खेत जमीन बेच के हम अपना पूरा किए थे मेंटेन उसका, और उसके बाद फिर वो 4 लाख टका हमको मांग रहा है। अच्छा, हम देने में असमर्थ हैं, गरीब आदमी कहाँ देखते हैं सर, वस्त्र तो नहीं देखते हैं, कैसा हमारा वस्त्र है। मैंने पहले भी मारपीट करता था। हाँ सर, पहले भी मारता था भैया। क्या नाम है हस्बैंड का? रितेश कुमार। और उसका ससुर का? रविंदर चौधरी। ये कहाँ पे, ये क्या करता है लड़का? लड़का बीएसएफ है सर। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग है सर, हमको बताना है सर। क्या अच्छा। नाम है आपकी बेटी का? फूल कुमारी। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? रितेश कुमार गिरफ्तार हुआ है, उसका पिताजी गिरफ्तार है रविंदर चौधरी, ये दोनों गिरफ्तार हुआ है। सब भाग गया है? हाँ सब भाग गया है। बांका जिला के आनंदपुर ओपी थाना अंतर्गत कुसुमजुड़ी पंचायत के सिंबुकुरा गांव निवासी 50 वर्षीय माइकल बेसरा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक एसबीआई बैंक में आदेशपाल के पद पर 15 वर्षों से कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को ड्यूटी समाप्त होने के बाद घर लौटने के क्रम में
मथुरा मोड़ व लालपुर के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक धान की खेत में गिर गया, जिस कारण मौके पर ही युवक की मौत हो गई। माइकल के देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन किया, किंतु युवक का कोई पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह मृतक माइकल का शव सड़क किनारे धान की खेत में पड़ा देख कर मृतक के बहनोई महलाल बेसरा व आनंदपुर पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही आनंदपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। घटना की सूचना परिजन को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर सूरजमुनि किस्कू ने बताया कि माइकल की हत्या कर धान की खेत में किसी ने फेंक दिया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। ये स्टेट बैंक भैरवगंज में ड्यूटी करता और यहीं से ड्यूटी करते हुए कितना बजे यहां से निकला ये हमको पता नहीं, और कितना समय में आया, जब आया और गया कहां गया नहीं गया वो भी पता नहीं हमको। जब सुबह भोरे सब एकदम किरण उदय से पहले हमको न्यूज मिला कि बास्की बेसरा ने फोन किया कि बोल आपका जीजाजी है या कौन है वहाँ पर गिरल है। बोले ठीक है गिरल है तो हम जातलपुर पुल जो है छोटा सा पुलिया है पुलिया पर, अब वहीं बताया कि बोल आप पुल के पास आप जाइए वहीं पर बता रहा है। हमारा भगना फोन किया था, उसका भगना वहीं रहता है लालपुरे में, वो फोन किया है कि वो ड्यूटी कहीं जा रहा है भोरे, वही बताया कि बोल ऐसे ऐसे गाड़ी का नंबर भी देखे और प्लस जो है कि बोल ये स्टिकर लगा हुआ है स्टेट बैंक का तो किसका आदमी है। हम बोले ठीक है हम सही बताए, हम उनको पूछे कि बोल जिंदा है कि मरल है, उनको बताया बोला कि नहीं हमको पता है। ठीक है हम जाते हैं देखते हैं, तो वहां से घर से निकले और घर से निकल करके जब गए जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पर, वहां देखते हैं हल्का सा ट्रेनिंग है, पुल है इधर दाहिना साइड माने आगे पुल है और पीछे में एक्सीडेंट हुआ खेत में। अमरपुर थाना के धर्मपुर गांव के पास स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 73,000 की लूट हो गई। सीएसपी संचालक इजाउल हक अपने गांव बराहाट थाना के खड़ियारा गांव से अमरपुर थाना के दोनों गांव में सीएसपी सेंटर आ रहे थे। अचानक धर्मपुर गांव के पास घात लगाए तीन अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोग जब तक समझ पाते तब तक तीनों अपराधी भागने में सफल हो गए। सीएसपी संचालक ने घटना की सूचना अमरपुर थाने को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना ये हुई कि अपने घर से हम आ रहे थे अपने सीएसपी के अंदर दौना, ठीक है, सो उसमें से हम देखे नहीं थे मेरे पीछे से तीन लोग आ रहे थे फैशन पे, ठीक है, और गाड़ी में नंबर नहीं था, गाड़ी पूरा प्लेन था, वो लोग आ रहे थे। अचानक से वो लोग रुके तो मैंने भी बाइक घुमाया भागने के लिए, लेकिन वो लोग निकाल लिए बंदूक निकाल लिए, ठीक है, और वो मेरा मोबाइल 200 मोबाइल था और ये पूरा बैग वो लेते थे। कितना पैसा था उसमें? उसमें 73,000 था उसमें पैसा। और मोबाइल? मोबाइल था, क्रेडिट कार्ड था और 5 ATM था। कहाँ से आ रहे थे घर से? कौन कहाँ से? ये मेरा घर खड़ियारा पड़ता है। खड़ियारा से जा रहे थे दोनों? अपने दोनों जा रहे थे, वहाँ काम करते हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के गुरगम्मा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक गुरगम्मा गांव निवासी संयोग यादव उर्फ सुधीर यादव बताया गया। जानकारी के अनुसार अधेड़ बुधवार के अले सुबह शौच करने के लिए बहियार जा रहा था, तभी गुरगम्मा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप टूटकर गिरी हुई 440 वोल्ट तार की चपेट में आ गया। मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। वहीं तार की चपेट में आने से एक कुत्ता का भी मौत हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने थाने में दिया। सूचना मिलते ही सीओ सुनील कुमार शाह थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक विजय शंकर सिंह पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजने के प्रयास में जुट गए, लेकिन ग्रामीण विद्युत विभाग के SDO को बुलाने एवं मुआवजा की मांग पर अड़ गए। मामले की जानकारी सीओ ने बिजली विभाग को देते हुए SDO को घटना स्थल पर आने की अपील की, जिस पर करीब 4 घंटे के बाद बिजली विभाग के प्रभारी SDO वरुण कुमार JE रवि कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा एवं मृतक के एक आश्रितों को नौकरी देने की मांग की, जिस पर SDO ने सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। करीब 7 घंटे के बाद सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया।